नमस्कार दोस्तों, मैं उमन झागड़ और आप देख रहे हैं फाइनेंशियल स्मॉल हाउस प्लान। दोस्तों आज हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन प्लान के। हमारे एक मित्र थे, उनके मित्र हैं और वो चित्रकूट में रहते हैं, चित्रकूट यूपी में, और उनका एक प्लॉट है या उनके पास जगह है 50x60 की, और उनका एक प्लान मैंने तैयार किया है। काफी वेंटिलेशन, कार पार्किंग भी, ग्रीन एरिया है भी, प्ले ग्राउंड भी है, दो दो कोर्ट बने हुए, बहुत खूबसूरत डिजाइन आपने थंबनेल पर भी देखा होगा। तो उन्हीं की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आज हमने 50x60 में प्लॉट बनाकर रेडी किया है, जो कि डबल स्टोरी है। तो अगर आपका भी 50x60 का मकान है और आप चाहते हैं बेहतरीन सा घर, तो इस मॉडल को सिलेक्ट कर सकते हैं। आज हम आपको पूरा डिटेल के साथ इस प्लान को 50x60 का जो हमने तैयार किया है वो दिखाने वाले हैं, और आप भी कैसे मॉडल बनवा सकते हैं वो सिखाने वाले हैं। तो चलो इसके लिए हम डायरेक्ट आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलते हैं। तो ये दोस्तों पूरा प्लान होने वाला है जिसकी मैं बात कर रहा था, जिसका आपने थंबनेल देखा है, साइज आपको बता दिया है 50x60 है। फ्रंट इसका देख सकते हैं 50 फीट है, और इसका चारों तरफ से पहले मैं आपको दिखा देता हूं। इधर आपका, क्योंकि बाउंड्री वॉल है, उन्होंने लगभग 3 फीट जगह दो तरफ छोड़ी है, लेफ्ट और राइट साइड, तो इसी वजह से विंडो वगैरह मैं चारों तरफ दे पाया हूँ, बालकनी भी निकाल पाया हूँ। पीछे से बैक साइड इनका फुली क्लोज्ड है, तो इधर विंडो वगैरह मैंने नहीं दिया है। इधर साइड भी आपका ओपन है, इधर भी 3 शेड, इधर भी विंडो और बालकनी मैंने क्रिएट की है, और बाउंड्री वॉल देख सकते हैं चारों तरफ से मैंने यहाँ पर लगभग दिया है। और फ्रंट से अगर आप देखेंगे ये फ्रंट एरिया, तो आपको दो डोर दिख रहे होंगे, दो मेन डोर दिख रहे होंगे, है ना। तो मेन डोर दो लगाने का क्या कारण है, एक दोस्तों इधर वाला जो है ना लेफ्ट हैंड पे, यहाँ पर कार पार्किंग है, तो यहाँ भी बड़ा डोर लगेगा, और ये इनका मेन पोर्च है जो घर का, यहाँ पर भी मेन डोर है, इनको बड़ा ही डोर चाहिए, तो ये भी मैंने दिया है। इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं, 50x60 का है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर की। तो ये दोस्तों इसका ग्राउंड फ्लोर है, देख सकते हैं आप कितनी आसानी से, और अभी मैं सब दिखाता हूँ। तो ये देखिए बाउंड्री वॉल इनका चारों तरफ है ही, ये मेन डोर है, अगर आप यहाँ से एंट्री करेंगे तो वो कार पार्किंग है, उसके लिए भी मैंने देखिए पोर्च बनाया है ना, जिगजैग मोशन का देख सकते हैं, और इधर भी पिलर पर ही पोर्च बना है, और इसमें खपरेल, जो गांव में खपरेल का डिजाइन होता है, उसको मैंने दिया, इससे लुक आपको और अच्छा हो जाएगा। अब इसका टॉप व्यू देखते हैं, ऊपर से जब मकान देखेंगे तब कैसा दिखेगा, तब आपको क्लियर कट सब समझ में आएगा। तो जैसे मेन डोर से देखिए, यहाँ से मैं एंट्री कर रहा हूँ बीच वाले दरवाजे से, तो ये आपका एक पोर्च दिखेगा, यहाँ सीढ़ी वगैरह बनाकर मेन डोर यही यहीं से एंट्री करेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिएगा इस डोर से एंट्री करते हैं तो कार पार्किंग के लिए स्पेस है, और साइड में 3 फीट का गली गया है जिससे विंडो वगैरह दिया है। तो मैं मेन डोर से ही आपको देखता हूँ कि सब कुछ यहीं बताने की कोशिश करूँ, क्योंकि मॉडल बड़ा है तो थोड़ा सा दिक्कत मिलेगा। और इधर एरिया दोस्तों ग्रीन एरिया है, ऐसे प्ले ग्राउंड आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी जगह है, तो प्ले ग्राउंड बनाया जा सकता है। तो मेन डोर से देखिए एंट्री करते समय, यहाँ से ये मेन डोर आपको दिख रहा होगा, यहीं से एंट्री होगी, दोनों तरफ विंडो भी दिया, वेंटिलेशन हो सके, तो जैसे अंदर जाते हैं तो बड़ा सा हॉल मिल जाता है। अब इसी हॉल से दोस्तों आपका सबसे पहले ये देखिएगा, यहाँ एक गली गई है, यहाँ से अपनी स्टेयर्स जो जीना है ना, ये यहाँ से आप चढ़ना स्टार्ट करेंगे, टर्न होकर वापस आ जाएंगे, इससे आप छत पर जा पाएंगे। इसके बाद ये एक जो बेडरूम है, इसके लिए मैंने बाहर से भी देखिएगा डोर दिया है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, गेस्ट रूम है, तो बाहर से भी एंट्री करा जा सकता है गेस्ट रूम में, और अंदर से भी मैंने डोर दिया है गेस्ट रूम में। इसके बाद यहाँ पर एक लेट एंड बाथ मैंने कंबाइंड क्रिएट किया है, इसके लिए डोर भी हॉल से दिया है लेट बाथ को एक्सेस करने के लिए। अगर आप केवल गेस्ट के लिए लेट बाथ रखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डोर दे सकते हैं, है ना। और इस गेस्ट रूम में देखिएगा साइड से, क्योंकि गैलरी जो मैंने 3 फीट की जगह छोड़ी ना, वहाँ से विंडो दिया है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। और इसके बाद अब ये तो डिस्कस हो गया, इसके बाद ये एक बेडरूम मैंने बनाया है, देखिएगा यहाँ से डोर दिया है, और इस बेडरूम से ही अटैच आपका ही लेट बाथ बना हुआ है, ठीक है, एक ही। और इस बेडरूम में भी मैंने यहाँ से साइड से एक विंडो दिया है, और लेट बाथ के लिए वेंटिलेशन यहाँ से दिया है। अब इसके बाद इससे ये आपको वॉल मिलती है, यहाँ से आप जैसे अंदर जाते हैं तो फिर से आपको एक डाइनिंग हॉल टाइप मतलब हॉल मिलता है, हालांकि इनका डाइनिंग हॉल तो ये क्रिएट किया गया है, यहाँ पर इन्हें डाइनिंग हॉल चाहिए, तो ये डाइनिंग हॉल इनका बना हुआ है, और ये इनकी किचन बनी हुई है बड़ी सी, है ना, और ये डाइनिंग हॉल है। अब इस किचन को भी वेंटिलेट किया है, यहाँ पर मैंने एक विंडो दिया है, डाइनिंग हॉल में भी एक विंडो दिया है, अलग अलग यहाँ से किचन के लिए ये डोर है, और यहाँ पर भी एक स्पेस है दोस्तों, आप इसे लेट बाथ इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद इस हॉल से अगर हम लेफ्ट हैंड की बात करें, तो एक देखिएगा ये डोर है, इस डोर से अंदर जाएंगे तो ये आपको एक बड़ा सा दोस्तों मिल जाता है बेडरूम, है ना, एक बेडरूम है, और ये इनका दोस्तों जो है, इन्होंने एक वो क्या कहते हैं, यहाँ पर इनका एक स्टोर रूम टाइप का बना हुआ है, ये इनका पूजा घर है, तो इनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बना है, ठीक है। इसके बाद ये दोस्तों इनका एक स्टोर रूम है, और यहाँ पर भी एक इनका लेट बाथ अटैच बना हुआ है, देख सकते हैं,
तो दोस्तों यहाँ पर मैं थोड़ी सी गलती कर गया बताने में, ये दोस्तों इनका पूजा घर है, ये स्टोर रूम है, ये इनका एक लेट बात है और ये यहाँ पर अलमीरा वगैरह रख सकते हैं, तो ये करेक्शन आप लेना। ये दोस्तों इनका एक लेट बात है, यहाँ पर अलमारी वगैरह रखेंगे, ये इनका पूजा घर है, ये स्टोर रूम, ये किचन है ना। अब आपको प्रॉपर समझ में आ गया होगा, जब आप फिर से ऐसे देखेंगे तब सारी चीज़ क्लियर होंगी। तो ये तो गेस्ट रूम हो गया, ये एक और रूम हो गया, ये आपकी स्टेयर्स हो गई। आगे जाएंगे तो आपको ये हॉल मिलेगा, ये डाइनिंग हॉल, ये आपकी किचन और ये स्टोर रूम, ये पूजा घर, ये एक बेडरूम, ये लेट बात, ये अलमीरा के लिए, और ये एक और लेट बात और एक लेट बात, और ये पूरा तीन फिट का गैलरी जो कि दो साइड बना है। तो आपको समझ में आ गया होगा ग्राउंड फ्लोर कितना प्रॉपर तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और ये देखिएगा फ्रंट डिजाइन आपका कितना बेहतरीन है, आपका फ्लैट का डिजाइन। अब बात करते हैं इसके, तो जैसा फर्स्ट फ्लोर पर पहुंचेंगे तो मैंने दोस्तों कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है, ध्यान रखिएगा पीछे का पूरा पोर्शन वही है, वही देखिएगा। यहाँ पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, थोड़ा सा छोटा करता हूँ। पीछे यहाँ पर पूजा घर था, वही पूजा घर है, यही स्टोर रूम है, ये बेडरूम है, लेट बाथ है, अलमीरा है, और ये इनका किचन है, डाइनिंग हॉल है, ये एरिया है, ये लेट बाथ दो हो गए, ये बेडरूम, ये हॉल, ये बेडरूम, ये लेट बाथ, सब कुछ वही है। सिर्फ क्या है, जो कार पार्किंग वाला एरिया था उसको मैंने छत से ढक दिया है, तो ये आपके एक बड़ा सा बालकनी टाइप का बनकर आ जाएगा, है ना, ऊपर देख सकते हैं। और ये तो आपकी बालकनी बनी ही है, जो पोर्च था नीचे ना उसको भी बालकनी कन्वर्ट कर दिया है, और 2.5 से 3 फिट का ये इधर बालकनी निकाल दिया है, देख सकते हैं। और साइड में जहाँ जहाँ बेडरूम है दोस्तों, वहाँ वहाँ देखिएगा साइड में 2.5 फिट का आपका बालकनी निकाला है, ये देखिएगा बालकनी है, यहाँ पर ग्रिल मैंने लगा दिया, जहाँ बेडरूम है ग्रिल वहीं निकाला है, ध्यान रखिएगा। यहाँ बेडरूम था, ये डाइनिंग हॉल था, तो यहाँ पर भी मैंने निकाल दिया, ऐसा ही साइड में लेफ्ट हैंड पे भी मैंने किया है। तो यहाँ वाला क्या पूरा मैंने कंबाइन कर दिया है, आपका बालकनी, ये बेडरूम का, और ये जो नीचे वाला कार पार्किंग था इसको पूरा कंबाइन कर दिया है एक साथ, और ये इधर सेपरेट हो गया। तो ये देखिए बेहतरीन सा डिजाइन, और ऊपर भी सिमिलर ही पोर्च, बस आगे मैंने ये ग्रिल देखिएगा, ये ग्रिल आयरन की है, ये स्टील की ग्रिल मैंने इस्तेमाल कर दी है चारों तरफ। लास्ट फ्लोर की बात करें तो ऊपर कुछ भी मैंने क्रिएट नहीं किया, केवल स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी, और बाद बाकी सारे बेडरूम वगैरह हटा दिए, बालकनी आपकी जैसे फर्स्ट फ्लोर पर थी वैसी पूरी बनी हुई है। तो बहुत ही बेहतरीन प्लान 50x60 में बनकर ये रेडी हुआ है, काफ़ी मेहनत लगी है दोस्तों, और ये काफ़ी अच्छा प्लान बनकर रेडी हुआ है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें, कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप नंबर है, मुझे कॉन्टैक्ट करें, मैं आपसे बात करके आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाउस क्रिएट करूंगा, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर ध्यान आप ये रखना, वो हमारी पेड सर्विस है, 50% पेमेंट आपको एडवांस करना होता है, 50% बाद में करना होता है। आप हमें इंस्टाग्राम फेसबुक भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप इस मॉडल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट smallhouseplan.com पर जाकर विजिट करें, लिंक आपको सभी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से इस मॉडल को डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।